वैसे एक बात बताइए, कड़ी खाना किस किस को पसंद है? भाई मुझे तो बहुत पसंद है, और आज मैं ना ये बाकला की कड़ी बना रही हूँ जो कि बहुत टेस्टी लगती है और काफी ज्यादा हेल्दी भी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले ये जरूर बताएं कि आपके यहाँ पे बाकला को क्या कहा जाता है। वैसे मेरे गाँव में तो इसे राम भटली कहा जाता है। तो चलिए फिर ज्यादा देर नहीं करते हैं और फटाफट से आज की मजेदार रेसिपी को देख लेते हैं। तो बाकला की कढ़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ये लगभग 150 ग्राम की जितनी बाकला ले ली है, और इन्हें मैंने अच्छे से पानी से धो लिया था। इसके बाद सूखे कपड़े से इन्हें मैंने पोंछ लिया था। अब हम क्या करेंगे कि इनको पीसेस में कट करेंगे। तो बाकला के हम आगे और पीछे का हिस्सा इस तरह से निकालेंगे कि इसके साथ में इसका रेशा भी निकल जाए। तो इसी तरह से हम सारी रामफली को काट लेंगे। अगर रामफली साइज में थोड़ी बड़ी है तो हम इसके दो पीसेस कर लेंगे, और अगर छोटी है तो सिर्फ हम आगे और पीछे का हिस्सा निकाल देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी रामफली का कचरा निकाल कर इन्हें अच्छे से काट लिया है। अब हम इन्हें साइड में रख देंगे, और इसके बाद हम बड़ा वाला मिक्सी जार लेंगे और इसमें ऐड करेंगे 1 कप जितना दही। तो ये जो दही है ये थोड़ा टेस्ट में खट्टा है, और कढ़ी बनाने के लिए कोशिश करें कि थोड़ा खट्टा दही ही इस्तेमाल करें। इसके बाद 1 कप मैंने सेम कप से पानी डाल दिया है। तो हमें क्या करना है कि जितना हमने दही लिया है उसका 4 गुना हम इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने 1 कप पानी अभी ऐड कर दिया है, बाकी का 3 कप पानी हम बाद में ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ पर मैंने जो नॉर्मल हमारे घर पे चम्मच होती है उसी चम्मच से 3 चम्मच बेसन ऐड किया है। नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार, और एक बार हम इसे अच्छे से मिक्सी में घुमा लेंगे ताकि एकदम बढ़िया और लम्स फ्री हमारा घोल बन के तैयार हो जाए। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्सी में घुमा लिया है और काफ़ी बढ़िया घोल बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इस घोल को साइड में रख देंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे ये कढ़ी के लिए पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। तो छोटे वाले मिक्सी जार में हम ऐड करेंगे 3 हरी मिर्च, 1 इंच जितना अदरक का टुकड़ा, और 8 से 10 छिली हुई लहसुन की कलियाँ। अब हम इनको दरदरा पीस लेंगे। वैसे आप चाहें तो कढ़ी बनाने के लिए अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अदरक लहसुन और हरी मिर्च को इमाम दस्ते में कूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बाकला को उबालेंगे। तो किसी भी बर्तन में 1 गिलास जितना पानी ऐड करेंगे, और इसके बाद हम इसमें बाकला ऐड कर देंगे। बाकला को हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक ढक कर पका लेंगे। तो बाकला को हम अभी लगभग 80 से 90% तक अच्छे से कुक कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा हम इसे बाद में भी पकाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बाकला काफ़ी अच्छे से कुक हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो ये रामफली की फलियाँ हैं इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद अगर इसमें पानी बच जाता है, वैसे मेरा तो पानी बचा नहीं है इसमें, अगर आपका बच जाता है तो उस पानी का इस्तेमाल आप आगे कढ़ी बनाने में कर सकते हैं। पानी को बिल्कुल भी फेंकना नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सारी रामफली को प्लेट में निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि सेम कढ़ाई में लगभग 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे, और ऑयल को हम अच्छे से गरम कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर सरसों के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल अच्छे से गरम हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच मेथी दाना, 6 से 7 काली मिर्च, 1 इंच जितना दालचीनी का टुकड़ा, 3 इस तरह से टुकड़ों में टूटी हुई सूखी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हींग, 8 से 10 कड़ी पत्ते, 1 चम्मच दरदरा कूटा हुआ साबुत धनिया, आधी चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच सौंफ। अब हम इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से, और खुशबू आने तक पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा पीसा हुआ पेस्ट, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और अदरक लहसुन को हल्का सुनहरा कलर आने तक पका लेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर। मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से, और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बाकला। जो बाकला हमने बॉईल करके रखे थे उन्हें हम ऐड कर देंगे, और बाकला को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। बाकला को हम कड़छी के पीछे वाले हिस्से से इस तरह से अच्छे से मैश कर देंगे। तो काफ़ी आसानी से ये मैश हो जाएगी क्योंकि हमने इन्हें पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था। तो अब हम क्या करेंगे कि इन्हें लगभग 2 से 3 मिनट के लिए ढककर लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे ताकि ये जो बाकला है और सॉफ्ट हो जाए।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बाकला को अच्छे से ढककर पका लिया है और काफी बढ़िया से ये पक गई है। मसालों का फ्लेवर भी इसके अंदर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके बाद हमने जो घोल बनाकर तैयार करके रखा था उसे ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद अब हम इसमें 3 कटोरी पानी और ऐड करेंगे क्योंकि 1 कटोरी पानी हम पहले ही घोल बनाते टाइम ऐड कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैं ये 3 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ और अब हम इसे दोबारा अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। और इसके बाद हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं आधा चम्मच अजवाइन ऐड कर रही हूँ क्योंकि अजवाइन से कढ़ी में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा और ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है, तो अजवाइन ज़रूर ऐड करें। 1 चम्मच कसूरी मेथी को भी हम हाथों से अच्छे से क्रश करके डाल देंगे। तो अच्छे से मिक्स कर देंगे कढ़ी को, मिला देंगे अच्छे से और इसके बाद हम कढ़ी को लगभग 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। तो बीच बीच में कढ़ी को चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे ताकि हमारी जो कढ़ी है वो काफ़ी बढ़िया बन के तैयार हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 मिनट हो चुके हैं और हमारी जो कढ़ी है वो काफ़ी अच्छे से बन के तैयार है। तो इस स्टेज पर आप इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कढ़ी थोड़ी ज़्यादा गाढ़ी है तो आप बीच में इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं, और अगर कढ़ी पतली है तो इसे थोड़ी देर और पका लें ताकि ये थोड़ी गाढ़ी हो जाए। तो अब हम इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला और बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो कढ़ी है ये पूरी तरह से बन के तैयार है। और एक बार ना आप ये रामफली की कढ़ी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, बहुत टेस्टी लगती है, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब हम इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो तड़का ऐड करना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसमें तड़का ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इसे बिना तड़के के भी खाएंगे ना तो ये बहुत टेस्टी लगेगी। तो यहाँ पर मैंने ये 2 चम्मच घी गरम कर लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर और इस लाल मिर्च पाउडर के तड़के को हम कढ़ी के ऊपर डाल देंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा लाल मिर्च पाउडर का तड़का बनाकर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो बारीक कटी हुई लहसुन की कलियाँ भी ऐड कर सकते हैं इस तड़के में। तो तड़के को हम कढ़ी में अच्छे से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हमारी जो बाकला की कढ़ी है वो पूरी तरह से बन के तैयार है और आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही है। आप इस कढ़ी को राइस, रोटी किसी के भी साथ खाएं, आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एक बार बनाकर इस कढ़ी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।